सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कोरबा जिले में भी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। घंटाघर ओपन ऑडिटोरियम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने पुलिस विभाग और सामाजिक संगठनों द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ नाटक पेंटिंग के साथ ही जन जागरूकता अभियान के जरिए आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया जा रहा है। 20वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हुआ है, जिसमें अभी हम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसमें जो जिला पुलिस बल है उनके द्वारा, जिला पुलिस बल के प्रमुख के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है, जिसमें शासकीय लोगों के अलावा बहुत बड़ी संख्या में सामाजिक संगठन, NGOs, शहर के गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवियों ने और मीडिया के सभी सम्मानित साथियों ने प्रतिभाग किया है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से मैसेज दिया गया है कि किस तरह से रोड सेफ्टी के मानक है उसका ज़्यादा पालन हो सकता है, रोड पर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसको कैसे कम कर सकते हैं। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि औद्योगिक शहर होने के कारण कोरबा में सड़क दुर्घटनाओं में मौत का आंकड़ा काफी ज्यादा है। इसमें कमी लाने के लिए पुलिस द्वारा हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और कोरबा जिले की बात की जाए तो यहाँ सड़क दुर्घटनाओं में, मृत्यु में और घायलों में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई, इसलिए ये आयोजन जो है जिले के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी सप्ताह की सप्ताह की शुरुआत हमने की थी, तो हमने एक ज़िले में एक हिफाजत अभियान की भी शुरुआत उसके साथ किया था, जिसके तहत ये ज़िले में जो सड़क सुरक्षा पे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी, साथ साथ जागरूकता भी पूरे साल भर चलेगा। गौरतलब है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा आकर्षक पेंटिंग और रंगोली तैयार की गई। प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार भी प्रदान किए गए।